फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो 17 अगस्त में ऑल शिफ्ट में सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं मैं वो आपके सामने लेके आऊंगा। उसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं वो आप समझिएगा, और भी जो मैं आपको क्वेश्चन में बता सकता हूँ एक्स्ट्रा और आने वाली शिफ्ट में जो प्रिडिक्टेड है वो मैं बताऊंगा। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे। इफ सम ऑफ ए फ्रैक्शन एंड 7 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 11/2, जो हमें फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करना है। देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करना है लेट, ठीक है। अब इसका आप डायरेक्टली भी आंसर दे सकते थे इक्वेशन बना के और वैल्यू पुट करके, ठीक है ना। लेकिन अपन फ्रैक्शन मानते हैं लेट फ्रैक्शन एक्स वाई वाई, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमने फ्रैक्शन माना और क्या बोल रहा है, इसके रिवर्स का 7 टाइम का एड, ठीक है, एक्स वाई वाई और इसके रिवर्स का 7 टाइम, तो हो जाएगा वाई वाई एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है 11/2 हमें गिवन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप ऑप्शन से जो वैल्यू उठा के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और इसको कैसे सॉल्व करना ये मैं आपको बताने वाला हूं। ऑप्शन से वैल्यू उठा के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, मैंने यहां से वाई वाई एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन निकालना है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो वाई वाई एक्स कॉमन ले लूंगा, तो देखिए मैंने वाई वाई एक्स कॉमन लिया है तो ये एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कैसे बना। देखिए यहां से मैंने वाई वाई एक्स कॉमन लिया है तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और नीचे वाई ऑलरेडी है फर्स्ट फैक्टर में तो डिवाइड हो जाएगा वाई से, तो वाई स्क्वायर, और वन वाई एक्स से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया। प्लस अब 7 है हमारे पास तो 7 का 7 रहेगा, y y x कॉमन लिया था तो 7 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसको मैं लिख देता हूं 11/2, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए x y y का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 11/2 x y y, यही बन जाएगी ना। क्या किया मैंने, इसको ऐसे ले गया, रिवर्स कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये x y y को मैं a मान लेता हूं जिससे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 11/2 ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 11 ए, 2 को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, जो हमारा ए आएगा वही हमारा फ्रैक्शन होगा एक्स और वाई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 11 है और 14 दूनी 28 है, तो 28 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनसे 11 आ जाए, तो क्या हो जाएंगे 7 और 4। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 और 4 ए की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमारे फैक्टर में जो आगे वाला फैक्टर है उसका 2 से है तो हम इसको डिवाइड करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अब 7/2 और 2, तो हमारे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 7/2 और 2। तो अब आपको समझ में आ गया कि 2 हमारे इसके आएंगे और आंसर, दो आंसर आएंगे। ऑप्शन में एक आंसर गिवन था, 7/2 गिवन था, 2 गिवन नहीं था, तो हम 7/2 लगाएंगे। ऑप्शन से कैसे करना था इसको, सीधा सीधा 7/2 को यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू वाई वाई एक्स करना था तो 2/7, मतलब 7/2 प्लस 2/7 करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 11/2। तो सेटिस्फाई हो रहा था तो डायरेक्टली हम इसका 7/2 आंसर लगा सकते थे बाय ऑप्शन, और दो आंसर आएंगे इसके, 2 भी पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा 11/2 ही आएगा। आप सेटिस्फाई करा के देख लीजिए और इक्वेशन से हमने आंसर निकाल लिया है। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, दो आंसर आ रहे हैं इसके, आप समझ लीजिएगा इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। ओके फ्रेंड, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम एबीसी एक ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्राइंगल, इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, और एंगल ए दे रखा है हमें 30 डिग्री, ओके, और बीसी की लेंथ दे रखी है हमें 2√3, ठीक है ना, और हमें क्या निकालना है, ए भी फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, बस एक लाल बट्टे कक्का फॉर्मूला होता है, पीएचपी अपॉन जो हमारा हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला होता है उससे हम कर सकते हैं इसको आसानी से। देखिएगा कैसे करेंगे, बी 90 डिग्री हो जाएगा, हमें साफ साफ दे रखा है कि ए 30 है, तो ऑब्वियस ही बात है 180 होता है तो ये 60 हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। बीसी बराबर 2√3 हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी फाइंड आउट करना है ना फ्रेंड्स, ए बी फाइंड आउट करना है तो ये देखिए टेन थीटा में आता है, देखिए टेन 60 बराबर हाइट अपॉन बेस, यही हमें निकालना है, ए बी अपॉन बी सी हमें दे रखा है 2√3, और इसकी वैल्यू क्या होती है,
टेन सिक्सटी की वैल्यू आपको पता है रूट थ्री होती है, तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। टू रूट थ्री से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सिक्स हमारा आंसर आ जाएगा इसका। बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। ये देखिए आपका ये आंसर हो गया, सिक्स आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि आपको दे रखा है एक मूलधन दे रखा है, सम दे रखा है 4000 रुपीज, और रेट दे रखी है 12% और 1 ईयर आपका टाइम है। अब ईयरली और हाफ ईयरली में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसका डिफरेंस पूछा है, कैसे करेंगे। बहुत आसान है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, आसान है लेकिन लेंदी है, तो इसलिए टाइम टेकिंग है। तो आप इसको कैसे करेंगे देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। ईयरली में क्या होने वाला है, ईयरली में हमारा ये रेट और टाइम ईयरली ही दे रखे हैं तो चेंज नहीं होंगे। हाफ ईयरली में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, जब भी हाफ ईयरली आ जाए तो रेट को आधा कर दे तो 6% हमारी रेट हो जाएगी और टाइम हमारा हो जाएगा दुगना, तो 2 ईयर हमारा टाइम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 6% रेट हो जाएगी और 2 ईयर हमारा टाइम हो जाने वाला है, तो ये हमारा हाफ ईयरली में हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो मैं ईयरली पहले कैलकुलेट कर लेता हूं कि इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ईयरली। अब देखिए फर्स्ट ईयर का निकालना है क्योंकि ईयरली पूछा है, तो फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो बहुत आसान है। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर रहते हैं, तो क्या आ जाएगा 480 रुपए। कैसे, पीआरटी से निकाल लीजिए, कैसे भी निकाल लीजिए, 480 रुपए इसका आ जाएगा। 4000 × 12% / 100, तो इसका आ जाएगा 480 रुपए। इसका एक साल के लिए निकालना है तो 480 रुपए इसका सीआई आ गया। बहुत आसान तरीके से ईयरली का हमने निकाल लिया। अब सारा खेल किसका है, हाफ ईयरली का है। हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, हाफ ईयरली में रेट कितने हैं 6%, 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6/100 लिख सकता हूं ना, तो ये कितना हो गया 3/50, ठीक है। अब आपको पता है रेट अगर ऐसे दे रखी हो 3/50, तो अगर मैं यहां पे इसको प्रिंसिपल मान लूं 50 को, तो 53 मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। आपको ये पता होगा प्रिंसिपल अगर ये है तो ये अमाउंट हो गया। अब ये 1 ईयर के लिए है, तो अब सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 50 और 53, इसी तरीके से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 ईयर का, क्योंकि हमारे पास टाइम और हमारी रेट कितनी हो गई थी 6%, क्योंकि आधी कर दी थी हमने, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कर लिया, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पे हम जब सम कर देते हैं इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का प्लस प्रिंसिपल के साथ, तो हमारा आ जाएगा अमाउंट। तो 53/50 से मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए 50 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500, और ये कितना होता है देखिए 50 का होता है 2500। अब इसका देखिए एक बढ़ाइए, 2601, 2704 और 2809, तो 53 का क्या हो जाएगा 2809। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, वही सिंपल इंटरेस्ट है, डिफरेंस कितना है 309, तो यही तो हमारा सीआई है, सही है ना। सीआई क्या है, जब हमारा प्रिंसिपल 2500 है तो सीआई कितना आ रहा है 309। अब आप ये इक्वेशन को समझ लीजिए, जब हमारा प्रिंसिपल 2500 है तो सीआई कितना आ रहा है 309, और अगर एक है तो क्या आ जाएगा 309/2500, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर हमारा 4000 है तो हमारा प्रॉपर प्रिंसिपल क्या था, 4000 ही तो था, तो इस पे सीआई हमें कैलकुलेट करना है। तो जब इसको काटेंगे सीआई आ जाएगा 494.4 रुपीज, ये हमारा सीआई आ गया फ्रेंड्स। तो अब आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि हमारा ये सीआई है, और ये आ रहा था हमारा ईयरली में, और ये आ रहा है हमारा हाफ ईयरली में, तो इनका डिफरेंस पूछा है तो 14.4 इनका डिफरेंस आ जाएगा, यही हमारा आंसर था एग्जाम में। चलिएगा अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको ऑरली भी कर सकते हैं। सीधा सीधा बोला है, डायगोनल दे रखा है एक स्क्वायर का, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2। अगर ए भुजा वाला स्क्वायर है तो √2 = 12 cm, तो ए की वैल्यू निकालनी है, उसने साइड पूछी है उसकी एक, तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 12/√2। इसको रेशनलाइज कर दिया मैंने √2 से, तो 6√2 cm हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये इसका आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ए गर्ल हैज 30 मार्क्स मोर इन मैथ देन साइंस इफ 60% ऑफ मैथ एंड साइंस इज इक्वल्स टू मार्क्स इन मैथ, ठीक है ना। हाउ मच मार्क्स शी गॉट इन साइंस, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि यह मैथ में, मैंने मैथ को एम से लिख दिया, साइंस से 30 मार्क्स ज्यादा लेके आ रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने पहली इक्वेशन मान ली, ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे कीजिए, बहुत आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। अभी बोल रहा है जो मैथ और साइंस में जो मार्क्स हैं उसका 60% मतलब हो जाएगा हमारा 3/5, ठीक है ना फ्रेंड्स। 3/5 हो गया 60%, वो कितने मार्क्स हैं, मैथ के मार्क्स हैं, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसने साइंस में कितने मार्क्स किए प्राप्त, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3m/5 +
3SY5 इक्वल्स टू m, तो मैं इसको इधर ले गया तो ये हो जाएगा 3SY5 बराबर 2MY5, तो 5 से 5 गया तो 3S बराबर आ जाएगा 2M। अब हमें क्या करना है, साइंस में मार्क्स निकालने ना फ्रेंड्स, तो m को s में कन्वर्ट कर दीजिए, तो m की वैल्यू को मैं s के टर्म में लिखूंगा तो 3S/2 हो गया, तो 3S/2 माइनस s इक्वल्स टू 30 और ये हो जाएगा 1/2, s बराबर आ जाएगा 60। तो हमारा आंसर आ गया, साइंस में उसने कितने मार्क्स लेके आई, वो 60 मार्क्स लेके आई, और मैथ में कितने लेके आ जाएगी, अगर मैथ का निकालना होता तो 90 मार्क्स, क्योंकि 90 माइनस 60 30 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया दोनों का। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए मैन इट सेल्स ऑन आर्टिकल फॉर रेट 1900, ओके, ही लॉसेस 5%, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल इट टू गेट 15% प्रॉफिट, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि ए मैन है ना एक आर्टिकल को बेचता है, तो मतलब उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 1900। आपको क्या करना है, बहुत आसान कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, जब ये बोल रहा है कि उसको लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज क्या है हमारे पास, 5%, 5% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/20, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये एक लॉस है 20 अगर सेलिंग मतलब अपना क्रय मूल्य है, और एक लॉस है तो 19/20 हो जाएगा, भाई लॉस हो रहा है ना उसको, तो 19/20 ये क्या है हमारा एसपी और सीपी, लॉस हो रहा है ना, तो एसपी हमारा क्या होगा लॉस में जाएगा और सीपी से कम होगा तभी तो लॉस होगा, तो ये हो गया। अब 19 बराबर आपको 1900 दे रखा है, तो सीपी क्या आ जाएगा, भाई 19 बराबर दे रखा है 19:1900, तो 1 बराबर आ जाएगा 100, और 20 निकालेंगे तो हमारा क्या है ये सीपी, तो सीपी हमारा आ जाएगा 2000, तो सीपी हमारा अगर 2000 आ गया, तो अब हमें क्या पूछा है कि उसको 15% प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसका 15% प्रॉफिट निकालेंगे 2000 पे, 115/100, तो हमारा आ जाएगा 2300 आंसर, ठीक है, 2300 रुपये इसका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जब वो 15% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो हमने पहले सीपी निकाला, उसका एसपी निकाल लिया, 15% प्रॉफिट से इसका एसपी कैलकुलेट हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैं सारा आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं, फोकस रखिए इस क्वेश्चन पे, और अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे से रिपीट भी कर सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिन इग्नोर कर देते हैं एग्जाम पर्पस के लिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है आपसे, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है किसका, 10 and 25 का, 10 and 25 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा, तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, देखिए पहले आप लिख दीजिए 10 लिख दीजिए, फिर 25 लिख दीजिए, अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, 25 को रिपीट करना पड़ेगा, और ये जो इसका x होगा ये इसका थर्ड प्रोपोर्शन लेंगे हम, ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है, ऐसे ही आपको करना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन सब मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप फोकस रखिए बस इस चीज पे, आगे मैं इसको कंसेप्ट लेके आऊंगा, आप अभी लेके आऊंगा इस क्वेश्चन के बाद ही। देखिए अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका इससे इंटू कीजिए और इसका इससे कीजिए, यही तो कंसेप्ट होता है, तो 10x बराबर हो जाएगा 625, तो x बराबर आ जाएगा 62.5, इसका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, ये तो थर्ड प्रोपोर्शन वाली बात हो गई, आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन और मिड प्रोपोर्शन बता देता हूं कि कैसे निकालते हैं। देखिएगा फ्रेंड, अगर आपको ये पूछ ले, देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है थर्ड प्रोपोर्शन, अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे करना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन को आप एक्स मान लीजिए, अब इसको कंटिन्यू चलाइए 8, फिर जो हमारा जो प्रोपोर्शन का साइन आता है वो लगाएंगे, फिर आप 8 लिखिए और 4 लिखिए, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और बराबर 4x, यही तो करते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 16, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब क्या करना है, हमें 8 से 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 64 बराबर 4x, तो हमें x ही तो फाइंड आउट करना है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 16, तो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन हमने फाइंड आउट कर लिया कि 16 आ गया। अब अगर मिड प्रोपोर्शन पूछ ले तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा मिड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड, मिड प्रोपोर्शन निकालना है, नाम से पता लग रहा है मध्य अनुपात, कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट से इसको स्टार्ट कीजिए, फिर एक्स लिखिए, फिर प्रोपोर्शन का साइन, फिर से एक्स और 36, अब बहुत आसान हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 16 into 36, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 into 6 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 24, हमारा मिड प्रोपोर्शन आ गया। तो मैंने आपको तीनों प्रोपोर्शन बता दिए हैं, अगर आपके आने वाली शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए ये क्वेश्चन था, ये रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बस इस एक्सिस के थ्रू हमें मिरर इमेज निकालना है y=1 के थ्रू, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना आसान हो जाएगा ये, मैं आपको बताऊंगा, देखिए मिरर इमेज करना है, तो मिरर इमेज कैसे करेंगे, देखिए ये 4 और -3 दे रखा है, तो ये x है और -3 है, तो y जब इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन है, तो इस पे तो x कांस्टेंट रहेगा, तो आप x को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x तो हमारा 4 ही रहने वाला है, ठीक है ना।
अब ये वाई कितना बैरी हुआ है ये देखना है हमें, तो इसका रिफ्लेक्शन किया जाएगा भाई यहाँ पे जो चीज है वो इतनी जिस लाइन से इतनी नीचे है उतनी ही ऊपर बनेगी, यही तो बात है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जितना ये नीचे है उतना ही ये ऊपर बनने वाला है, अपना ज्योमेट्री है जो इसका कोऑर्डिनेट है उतना ही ऊपर बनने वाले हैं। तो जैसे कि आपको इसको मिटा देता हूं, क्योंकि हमारा देखिए कितना स्टेप चल रहा है, आपको ये देखना है फटाफट से, देखिए 1 2 3 4, तो 4 स्टेप नीचे हमारा ये कोऑर्डिनेट है, तो इससे 4 स्टेप ऊपर हमारा ये इसका रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट होगा, कितना 1 2 3 4, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए इसके 4 स्टेप चलना है हमें, तो हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा देखिए 4 तो हमारा ये कांस्टेंट रहने वाला है, x तो हमारा कांस्टेंट रहेगा 4 और 5, तो इसके रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको चीज समझ में आई, देखिए यहाँ 4 स्टेप नीचे है, देखिए y बराबर 1 से 1, पहले पॉजिटिव चला 1, फिर कितना कम हुआ 1 2 3, -3 आया तो 4 चला टोटल नीचे की तरफ, तो ऊपर भी 4 चलाइए आप, तो 1 तो पहले से ही है यहाँ पे, इसका जब रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तो y इक्वल टू 1 तो है ही, तो 1 तो है ही, तो 1 से ऊपर 4 और चलना है तो 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया तो हमारा आंसर आ गया 4 और 5, तो ये x तो कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि y की इक्वेशन है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया है आपको, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स देखिए, और जितनी भी शिफ्ट थी जो पहले हो चुके हैं एग्जाम उनमें सब में टेबुलेशन DI आई है, लेकिन देखिए कल वाली शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो चुका है, बिल्कुल देखने को मिला होगा बाइनरी कोडिंग आई है, अब इसमें लाइन ग्राफ आया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब लाइन ग्राफ है, मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं, ऐसे दे रखा था एक एक्स एक्सिस पे हमें ये ईयर्स दे रखे थे और जो प्रॉफिट इन लाख, मतलब लाख में जो प्रॉफिट है ये दे रखा है, परसेंटेज नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि भाई डेटा ऐसा दे रखा है तो परसेंटेज में हो क्या पता, लेकिन परसेंटेज नहीं, लाख में दे रखा है। क्वेश्चन इजी थे लेकिन कंफ्यूज होना, अचानक से टेबुलेशन की प्रैक्टिस करके गए और अचानक से ये लाइन आ गया, तो इस वजह से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि लाइन ग्राफ आ गया, और बहुत आसान क्वेश्चन के आए थे इसमें। देखिएगा, देखिए ये हमें डेटा दे रखा है सारा लाख में, ठीक है। अब मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या है, ये मेमोरी बेस्ड दिया है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ईयर 2014 to 15। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि 14 से 15 में कितना इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना था आपको, तो कैसे निकालेंगे, 15 में कितना हुआ है 25 माइनस 20 किससे हुआ है, 14 से निकालना है ना, तो 14 का क्या है 20 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 5/20 × 100, तो ये 25% हमारा आंसर आ गया कि 25% इंक्रीज हुआ है, आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते थे बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन विच ईयर प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज नेगेटिव, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, देखिए डायरेक्टली दे रखा है कि नेगेटिव निकालना है फ्रेंड्स, तो नेगेटिव सिर्फ एक में ही है, 2012 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 2012 इसका आंसर देना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए DI में हमारे इस बार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, तो देखिए 2-3 इजी आएंगे और 1-2 हार्ड भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिएगा। देखिए हार्ड का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हो नहीं रहे, बहुत आसान थे वैसे तो, लेकिन लेवल थोड़ा बढ़ गया था, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया उससे थोड़ा अच्छा लेवल आ गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था कि इफ इनकम इन 2012 इन 50 लाख फाइंड द एक्सपेंडिचर इन 2012, तो अब हमें जब इनकम दे रखी है 2012 में और हमें एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान हो जाता है, देखिएगा आप जानते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर ही तो प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, लेकिन 2012 में प्रॉफिट नेगेटिव था, तो बस यही इसका ट्विस्ट है कि नेगेटिव में लिखेंगे आप और आपको एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, इनकम आपको दे रखी है 50, तो एक्सपेंडिचर आपका जो पूछा है क्वेश्चन में वो आ जाएगा 60 लाख, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60 लाख। जब एक्सपेंडिचर 60 लाख ज्यादा होगा तभी तो माइनस में प्रॉफिट गया है, ठीक है ना, इनकम 50 लाख ही रह गई थी, तो 60 लाख इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड देखिए इसमें क्वेश्चन ये था, फोर्थ क्वेश्चन ये था कि परसेंटेज डिक्रीज इन प्रॉफिट इज मैक्सिमम, कि परसेंट डिक्रीज प्रॉफिट मैक्सिमम किस में है, देखिए 9 से 10 में क्या है, आपको ऑप्शन चेक मतलब आप देखना पड़ेगा कि कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना परसेंटेज है, तो देखिए इसमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 9 से 10, तो 9 कितना है हमारा 50 और 10 में है 30, तो कितना डिक्रीज हुआ है 20, किससे हुआ है ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स, 20 किससे हुआ है 50 से हुआ है, तो यहां आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो आप देखिए इसका 40% आ रहा है, ठीक है ना, अब इसका 40% आ रहा है, मैक्सिमम निकालना है हमें, तो बी को चेक करेंगे फटाफट से, 11 से 12 कितना डिक्रीज हुआ है, देखिए 11 40 था माइनस 10, तो कितना डिफरेंस आया है 50 का, ठीक है ना, बस आपको ये याद रखना है कि 50 का आया है बटे 40 × 100, तो हमारा आ जाएगा 125%,
ठीक है, तो ये हमारा 125% डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, 9 से 11 देख सकते हैं आप, 9 से 11 देखिए, 9 से 11 पॉजिटिव में गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 105 नेगेटिव वाला है, 125 आ चुका है। अब आप देखिए 9 से 12 आप देखिए 50 से 10 हुआ है, सी तो हमारा कैंसिल हो गया था, डी देखिए, अब डी में 9 से 12 हुआ है, तो देखिए ऑप्शन कितना अच्छा दिया है कि 50 से 10 हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 60 आएगा यहाँ पे, तो आप सोचेंगे यही सबसे ज्यादा है, लेकिन इसको सॉल्व तो करिए फ्रेंड्स। देखिए 60 और किसके किससे कंपैरिजन हुआ है, 50 के कंपैरिजन में हुआ है ना डिक्रीज, तो 50 से इंटू 100, तो इसका आ रहा है 120% ही आ रहा है फ्रेंड्स, और मैक्सिमम निकालना था हमें, तो मैक्सिमम ऑप्शन बी आएगा हमारा आंसर, 11 से 12 है। तो यहाँ ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अपन ट्रिक करने की कोशिश करते हैं तो अपन इसको 50 लिखना भूल जाते हैं, नीचे हो जाती है बहुत बार गलतियां, तो ये इस तरीके का आपको करना है सॉल्व पूरा, तब जाके इसका आंसर दे पाएंगे आप डायरेक्टली। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आए थे, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिएगा। टोटल प्रॉफिट निकालना है कंपनी का, तो सारे प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, देखिएगा। देखिए 50 और 30 80, 120, 40 जोड़ा मैंने, 120 और ये हो गए 40, 160, ठीक है ना, 160 और 20, 180 में से 10 घटा दीजिए, 170 लाख इसका प्रॉफिट आ गया टोटल, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस कीजिए, और ये बस माइनस करना है आपको, क्योंकि माइनस में दे रखा है, तो इसको ऐड ना करें, इसको माइनस करें, ठीक है ना। तो 170 लाख हमारा इसका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो 17 अगस्त को पूछे गए थे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट कंटेंट और जो भी पैटर्न चेंज वाले क्वेश्चन होंगे वो लाता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट तुरंत पाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।